तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एयरटेल के प्रीपेड सिम का रिचार्ज उन्हीं की वेबसाइट से दोस्तों कैसे करते हैं। दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि दोस्तों वेबसाइट से, इंटरनेट से या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कैसे रिचार्ज करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। एक नंबर को मैं प्रीपेड नंबर को रिचार्ज करूंगा और उसमें केवल मैं वैलिडिटी पैक, जो इनका सबसे सस्ता वैलिडिटी पैक है 3 महीने वाला, वो मैं डाल करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप airtel.in जो ये वेबसाइट है यहाँ पर आ जाइए। आप चाहे मोबाइल में करिए या अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कहीं भी करिए, आपको airtel.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। तो दोस्तों इस पे आपको यहाँ पर पे एंड रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर राइट साइड में दिखेगा, या आप यहाँ पर रिचार्ज नाउ में क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पे एंड रिचार्ज में यहाँ ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ पे एंड रिचार्ज में, तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन कुछ मुझे दिखते हैं। इसमें से आपको रिचार्ज वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो रिचार्ज वाले ऑप्शन में दोस्तों मैंने जैसे ही क्लिक कर लिया है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको होगा प्रीपेड रिचार्ज का। तो यहाँ पर आप प्रीपेड रिचार्ज में क्लिक कर लेंगे। प्रीपेड रिचार्ज में जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर ये जो पेज ओपन होगा वहां पर आपको ये नंबर डालने के लिए कहेगा कि आप यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों शुरुआत में, क्योंकि पहले इसमें नंबर पड़ा हुआ था तो इसने नंबर को सेव कर लिया था, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा था। ये तो ये अभी नंबर नहीं है इसमें कोई भी, तो ये ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी। आपको यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल देना है, जिस नंबर को आपको रिचार्ज करना है दोस्तों ऑनलाइन। तो इस तरह से मैं एक नंबर डाल देता हूँ, ये एक टेस्ट नंबर है। तो ये मैंने एक नंबर इसमें ये डाल दिया फ्रेंड्स। तो ये नंबर जैसे ही मैं डालता हूँ तो दोस्तों ये हमारी जो नंबर के अगेंस्ट में कुछ हिस्ट्री इसके पास ऑलरेडी होती है कि पहले किस नंबर, किस पैक से हमने रिचार्ज किया था, किस तरह की हमारे पैटर्न था रिचार्ज करने का। तो वो रिकमेंड कर देता है कि ये पैक आपके लिए ठीक रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये पैक ठीक लगते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं तो आप इन्हीं को रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको वैलिडिटी वाला पैक दिखाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ब्राउज पैक में जा सकते हैं या आप सीधे नीचे आ सकते हैं दोस्तों। तो नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ आपको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसमें और नीचे ही आए, आप चाहें तो यहाँ पर भी ये क्लिक करके आप डायरेक्टली नीचे जा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर जब आते हैं तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब इसका नंबर आएगा तो ये इसमें राइट साइड में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे ऊपर का जो पैक मैं आपको बता देता हूँ, तो जो सबसे ऊपर का पैक है ये मैक्सिमम जो इन लोगों का एयरटेल का प्रीपेड का पैक है वो 1 साल की वैलिडिटी मिलती है और 1.4 GB का आपको इसमें डेटा मिलता है। उसके बाद ये जो मैक्सिमम जो केवल वैलिडिटी का ऑफर है उसमें 998 रुपए का है, अनलिमिटेड कॉल्स हैं, 12 GB का टोटल डेटा है, पर डे का डेटा नहीं दोस्तों, टोटल 12 GB का डेटा आपको पूरे 336 दिनों में आपको मिलेगा और 336 दिनों की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और मान लिया आपको नीचे कम की वैलिडिटी का पैक अगर देखना है तो आपको थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों और आपको नीचे लेके चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि वैलिडिटी के जो पैक्स हैं इनके कौन कौन से हैं जो और भी सस्ते आपको मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे सस्ता जो प्लान आपको ये है 84 डेज का, इसमें केवल 2 GB डेटा मिलेगा टोटल 84 डेज में और 245 रुपए का है। तो दोस्तों इससे सस्ता कोई भी प्लान आपको नहीं मिलने वाला वैलिडिटी का एयरटेल में। बाकी के जो आप प्लान आपको दिख रहे हैं इसमें डेटा भी दिख रहा है, जिसमें इसमें वैलिडिटी मान लिया 42 डेज की है, यह 145 रुपीज का है। लेकिन अगर आप इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो दोस्तों ये वाला प्लान आपको सस्ता लाएगा, क्योंकि इसमें 42 दिन की वैलिडिटी मिल रही है और इसमें 84 डेज, यानी इसमें डबल वैलिडिटी है। लेकिन अगर इसका पैसा आप डबल करें तो ये पैसा इसका डबल करेंगे तो 290 रुपये हो जाता है। तो लेकिन आपको यहाँ पर 245 रुपये में ही 84 डेज की वैलिडिटी मिल जाती है। तो ये सबसे सस्ता वैलिडिटी का प्लान है। तो दोस्तों साथ ही साथ इसमें आपको 245 रुपये का टॉक टाइम भी दे रहा है। आप इस प्लान को मान लिया आपको रिचार्ज करना है तो आप दोस्तों यहाँ पर जो रेड बटन दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, हालांकि आप किसी को भी रिचार्ज करेंगे तो उसी के आगे जो रेड वाला बटन दिया हुआ है वहीं पे आपको क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ इस 245 वाले को करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ व्यू डिटेल्स में भी देख लेते हैं आपको क्लिक करके दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमने आपको अभी डिटेल्स बताए हुए हैं वो दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर दिया हुआ लोकल स्टडी लैंडलाइन 30 पैसा पर मिनट का इसमें आपको टैरिफ लगेगा, जो कि आपको टॉक टाइम 245 रुपए में से आपको कटेगा। तो इसको आप
ध्यान से देख लीजिए। तो इसको मैं पीछे आता हूं दोस्तों, इसने कुछ से रिलोड शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, इसको रिलोड कर लेने दीजिए, हमें इस पे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों इसने ऑलरेडी इसको अपने रिचार्ज प्लान में आगे इसने फीड कर लिया है। अब इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक से अगर आप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। लेकिन दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक की हम लोग अभी बात नहीं करते, हम लोग नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट कराएंगे। आप चाहें तो ये यहाँ पर दिए हुए सारे ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट्स, ये सारे ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेट बैंकिंग से आप वैलेट, अगर पेटीएम वॉलेट मिलता है तो उससे करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको रिचार्ज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शंस जो भी सूट करते हो, जैसे कि वॉलेट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको पेटीएम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग चाहें तो इसमें से नेट बैंकिंग के जो ऑप्शन है आप बैंक के नाम दिए हुए हैं, और भी बैंक के नाम प्लस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे बैंक्स मिल जाएंगे। तो जो बैंक से आपको पेमेंट करना हो उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप SBI से करना चाहते हो तो SBI में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर वॉलेट से जैसे करना है, हम पेटीएम से भी करके आपको दिखाते हैं, तो आप पेटीएम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेटीएम का अपना नंबर डालना होगा, तो वो आप नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP आपके पास यहाँ आएगा और उस OTP को आप वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ नंबर एक अपना डाल देता हूँ जो मेरा पेटीएम से लिंक्ड है, तो ये मैंने नंबर डाल दिया। डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गेट OTP में आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आपके उस नंबर पे जो कि आपका नंबर है उसमें आपका SMS आ जाएगा, उसमें OTP लिखा होगा। तो OTP हमारे पास दोस्तों आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो इसमें है आपका 409 एंड 531। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है, अब मुझे सीधा यहाँ पे नाउ में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको जैसे ही पे नाउ मैंने क्लिक कर दिया, तो इसको वैलिडेट कर रहा है OTP को और फिर अब ये प्रोसेस कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए अभी तुरंत एक मैसेज भी आ चुका है, और ये इसने थैंक यू रिचार्ज वाज सक्सेसफुल, कहने का मतलब ये रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। मेरे जो नंबर है जिसको मैं रिचार्ज कर रहा था उसमें मैसेज भी आ चुका है। अब यहाँ पर रिटर्न में आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको देखना ये है कि इस पे रिचार्ज हुआ है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पर रिचार्ज कर दिखाता हूँ कि रिचार्ज हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये SMS भी आ रहे हैं इसमें, ये आपका ये इसी मोबाइल का ही ये SMS है, तो ये मैं आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, एनीवे यहाँ SMS में मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता रहा है, एक तो ये 121 करके आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि बिल पेमेंट अप टू 45 हैव बीन इनिशिएटेड टुवर्ड्स योर एयरटेल नंबर, ये। तो कहने का मतलब ये नंबर के अगेंस्ट में इन्होंने रिचार्ज के लिए प्रोसेस कर दिया है। उसके बाद एक ये मैसेज है इसमें जो कि OTP वगैरह की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस OTP के बारे में हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं, तो यानी कि रिचार्ज हमारा हो चुका है। तो इस तरह से आप दोस्तों रिचार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को, एयरटेल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी नंबर आप रिचार्ज करना चाहें वो नंबर डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो आपका ही नंबर हो। तो जिसकी किसी और का भी आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो वो नंबर डाल करके भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमको बताएं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।